21। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के एक बेहद ही अनुभवी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। वर्तमान में ये असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोक कुमार विश्वकर्मा जी का। आइए आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करें अशोक विश्वकर्मा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि पिछले लगभग 20 वर्षों से ये सक्रिय राजनीति में हैं और पिछले 20 वर्षों में इन्होंने कौन कौन से उतार चढ़ाव देखे हैं, कौन कौन से काम किए हैं, इनके सारे स्ट्रगल्स, इनके सारे सेक्रीफाइसेस की बातें आज की जाएगी इनके साथ। इनके सारे अचीवमेंट्स, इनके सारे तैयारियों को, इन्होंने जो कुछ भी किया है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, इन सभी बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे। विश्वकर्मा जी, आपका हमारे चैनल में और खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। विश्वकर्मा जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे देशभर के दर्शकों को अपना परिचय दें और अपने बारे में कुछ बातें संक्षेप में बताएं। मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जिला कामगार कांग्रेस। मैं जनजात कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार 20 वर्षों से काम किया हूं। 1999 में पार्टी ने मुझे अहम पद देते हुए जिला NSUI का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं लगातार 20 वर्षों से जिला स्तर के पदाधिकारी के रूप में पार्टी का काम कर रहा हूँ और जनता से जुड़े जो भी काम हमारे बीच आता है या मैं समझता हूँ कि जनहित के लिए जरूरी, मैं उसे करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि इससे पार्टी का और पार्टी का क्षेत्र में नाम हो। सोनिया जी हमारी अध्यक्षा, राहुल जी हमारे वरीय नेता पूर्व अध्यक्ष, उनके जो संदेश होते हैं मैं चाहता हूँ कि गाँव गाँव तक पहुँचा सकूँ और गाँव ग्राम के लोगों के बीच में मैं उसकी चर्चा भी करता हूँ और पार्टी के संदेश को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता हूँ ताकि पार्टी और भी हमारे क्षेत्र में मजबूत हो सके, संगठन में। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप लगभग 20-22 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास है, आपने पार्टी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है वर्षों से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने पार्टी से भविष्य में कोई ऐसा कुछ योजना लेके चल रहे हैं कि आप जिला स्तर पर कुछ इलेक्शन लड़ेंगे किसी पद के लिए या पार्टी आला कमान के सामने अपनी एक दावेदारी पेश करेंगे, ऐसा कुछ आप सोच रखें? देखिए, पार्टी में कोई भी पार्टी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी वह जब काम करता है पार्टी के लिए तो जरूर उसका कुछ ना कुछ होता है मन में, जिज्ञासा होता है कि हमको पार्टी में अध्यक्ष बनना है, MP MLA का चुनाव लड़ना है, सभी के मन में पार्टी में लगातार इतने दिन से काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं तो जरूर चाहते हैं। अभी भी पिछले दिनों 2 साल पहले भी जिला अध्यक्ष के लिए बात चल रही थी तो जिला अध्यक्ष में मेरा 1 नंबर पर नाम चल रहा था। अगर पार्टी को भी जिम्मेवारी देती है तो हम जिम्मेवारी के वहन करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक MP MLA का चुनाव का बात है, हम तो नगर पालिका से बाहर भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भविष्य में जरूर सोचते हैं कि MLA का चुनाव लड़े, क्यों नहीं। पार्टी अगर सम्मानित करेगी, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसके लिए हम तैयार हैं, उसको हम करेंगे। पार्टी आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी देगी उन सभी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है अशोक कुमार विश्वकर्मा जी। आने वाले समय में चाहते हैं कि गिरिडीह जिले से बतौर MLA विधायक प्रत्याशी के रूप में भी अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो ये जरूर चुनाव लड़ेंगे। इनके पास 20 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव है,
जनता के लिए काम किया है इन्होंने, इन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में पार्टी इन्हें इस तरह का कुछ ऑफर देती है, तो हर हाल में पार्टी का सम्मान करते हुए उनके निर्देशों को फॉलो करते हुए ये आगे आएंगे और पार्टी की तरफ से दिए हुए जिम्मेदारियों का ये पालन करेंगे। विश्वकर्मा जी, जिला स्तर पर जो आपका आपकी पार्टी का जो संगठन है, मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो संगठन है वो वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ वैसे यस अंदर में चली गई, लेकिन इसके पहले जो नगर पालिका नगर निगम की चुनाव हुई, हमारे जो कैंडिडेट थे वो 25,000 लगभग वोट लाए, तो शहर की जो वोट था वह कांग्रेस पार्टी को मिला। और सभी जिलों में आप देखिए, जो विधानसभा में तो हमें 6 गिरिडीह जिला में 6 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 2 सीटें मिली गिरिडीह की जमुआ विधानसभा, जहां से मंजू कुमार जी लड़ी तो 40,000 प्लस वोट लाई। और दूसरा कैंडिडेट हमारे वासुदेव वर्मा जी नए आए थे, मगोदर विधानसभा से हम लोगों ने लड़ाया उनको गठबंधन के साथ, तो उनका जमानत जब्त हो गया। लेकिन जमुआ में हमारी कैंडिडेट सेकेंड पोजीशन में, जो 2 बार से विधायक रहे केदार हजरा जी, उनके समकक्ष रही और 40,000 प्लस वोट ला करके हारी है, सम्मानजनक वोट लाई है। पूरे जिला में हमारा संगठन है, हम लोग हमेशा संगठन के प्रति ध्यान देते हैं, संगठन के मजबूती के लिए काम करते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में प्रखंडों में हमारा संगठन है, और जिला में भी बहुत अच्छा संगठन है। हमारे अध्यक्ष जी नरेश वर्मा जी अभी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग से काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत है। आने वाले चुनाव में हम लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे, और जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी और क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, अभी नगर पालिका पंचायत का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव होगा, फिर विधानसभा लोकसभा का होगा, फिर विधानसभा का होगा, हमारी पार्टी मजबूती से काम करेगी और मजबूती से लड़ेगी। अशोक जी, जानना चाहूँगा आपसे कि वर्तमान झारखंड की जो सरकार है, आपकी पार्टी गठबंधन की स्थिति में, वर्तमान झारखंड सरकार में आपकी पार्टी का क्या योगदान रहा है, क्या उनको मौका मिला है सरकार में, किस तरह के अवसर उनको मिले और किस स्तर से आप पूरे झारखंड प्रदेश में काम कर पा रहे हैं सरकार सब गठबंधन के रूप में? अभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, आपको उनके नेतृत्व में आप देखिए, ठीक विधानसभा चुनाव से हम समझते हैं 6 महीने पहले ही प्रदेश के अध्यक्ष का कमान संभाले, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा काम किया, 16 सीट हम जीते। अभी गठबंधन में हमारी सरकार है, 4-4 मंत्री हैं और 4 मंत्री के पास हमारे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो अभी आप देखे होंगे कि कोविड के समय में रामेश्वर उरांव जी बहुत ध्यान दिया, और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय उनके पास था, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा आप जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए लोगों के लिए जो आहार था, चावल दाल चना वगैरह का जो वितरण हुआ, वो बहुत ही मुस्तैदी से उन्होंने वितरण कराया, और पूरा प्रदेश में खूब मॉनिटरिंग हमारे रामेश्वर राव जी अध्यक्ष ने किया। और जहाँ तक सरकार की बात है, आप देखिए कि कोई भी सरकार मार्च के बाद ही अपने, कहने का मतलब है कि अपने पैर पर खड़ा हो पाती, लेकिन यहाँ जब सरकार बनी दिसंबर में याद होगा, तो 15 जनवरी तक तो खमास में फिर शपथ ग्रहण हुआ, और शपथ ग्रहण के बाद तो फरवरी मार्च से आ गया कोरोना जी, उसमें लॉकडाउन हो गया, उसके बाद 6-8 महीना अगर हुआ है, आप समझ लीजिए ये 10वां महीना चल रहा है, तो आप 10 महीना नहीं मान करके, वो 10 महीना भी अगर मानते हैं तो सरकार अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाई, और इतना बड़ा विपत्ति पूरे देश में आया, झारखंड में आया। हमने हमारे हेमंत सरकार में, हेमंत जी ने जितना प्रयास हो सका प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुँचाने का काम किया, हमारे सभी मंत्री और सभी जिला अध्यक्ष को जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिम्मेवारी सौंपी गई भोजन पानी आदि का व्यवस्था करने के लिए, NH में जो कमेटी बनी, जिला स्तर पर कमेटी हमारे रामेश्वर राव जी ने बनवाया, उसके माध्यम से जो भी हम लोगों से हो सका प्रवासी मजदूरों के लिए, और जो प्रवासी मजदूर गांव में वापस आए उनके काम दिलाने के लिए जो भी हो सका, मनरेगा के मंत्री हमारे आलम जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने भी सीधे सीधे हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपा कि आपके क्षेत्र में अगर कोई प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, तो उनके लिए जो भी संभव हो सके आप काम से उनको जोड़िए, रोजगार दिलवाइए, ताकि उनको किसी भी तरह का आर्थिक समस्या हो। हम लोग डायरेक्ट प्रदेश में कोऑर्डिनेटर सेंटर बना था, कोऑर्डिनेशन सेंटर, और उससे जुड़ाव
होकर के जुड़ करके हम लोगों ने काम किया और हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहा, जिससे हम लोग काम कर पाए और मजदूरों को जो भी हो सका हम लोग मदद कर पाए। निश्चित रूप से आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपके गठबंधन में जो आपका योगदान रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर, विशेष करके महामारी के दौरान, वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय। हर पल मस्ती और रंगीन विरसत मोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सच मोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सच मोला नमकीन। सच मोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सच मोला नमकीन। विश्वकर्मा जी, की सरकार जो वर्तमान भारत की है, एक कार्यकाल पूरे कर चुके, दूसरे कार्यकाल, आप एक बहुत ही अनुभवी कांग्रेस के नेता हैं, मैं जानना चाहूंगा आपके तरफ से, आपके द्वारा की क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मोदी सरकार की उपलब्धियों के विषय में, मोदी सरकार की वर्तमान स्थिति के विषय में, क्या उन्होंने अचीव किया है और अपने प्रयासों में वो किस तरह से है, आपकी राय वर्तमान मोदी सरकार के विषय में क्या है? मैं इतना कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार में बहुत कड़वा अनुभव देश की जनता को मिला है। हम भाजपा को लाएंगे, मोदी को लाएंगे, बहुत बड़ा हुआ था। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, दिलीप राय जी को सजा हुआ, अखबारों में आप दो दिन पहले से पढ़ रहे हैं। तो दिलीप राय जी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मोदी जी के समय में नहीं और मनमोहन जी के समय में मंत्री नहीं थे, लेकिन कोयला घोटाला इतना बड़ा हो गया, कांग्रेस ने पैसा खा गया है ना। लेकिन आज कोयला घोटाले में आपके मंत्री जेल जा रहे हैं और उनको सजा सुनाई जा रही है, कांग्रेस के मंत्री नहीं गए और मनमोहन जी पर आज नहीं आया, और उनके तत्कालीन मंत्री जो कोर्ट मिनिस्टर थे प्रकाश जायसवाल जी उन पर आज तक आरोप नहीं आया। लेकिन जो भाजपा के समय में दिलीप राय जी मंत्री थे उन पर आरोप आया, कोर्ट ने उनको अभी सजा सुनाया, जिसको अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया, शायद मैं आज ही अखबार में पढ़ा, स्टे किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश, एक षड्यंत्र चल हवा बनाया देश में कि कोल घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोल घोटाला के समय में जो क्या लॉ का चीफ थे, आज वो का भाजपा ने उनको पद देकर के सम्मानित कर दिया, क्यों? कांग्रेस के खिलाफ वो जांच बैठवा दिया, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जांच बैठवा दिया, इसलिए आपको सम्मानित किया गया। आज मोदी के समय में चाहे आर्थिक मंदी का स्थिति कितना बुरा हाल है, आप देखिए जब मनमोहन जी थे तो उन पर ये कमेंट्स करते थे कि आपके उम्र का डॉलर हो गया, आज डॉलर का एक रुपए के बदले आपको कितना भुगतान करना पड़ा, आपके डॉलर के बदले आपको भारतीय मूल्य कितना भुगतान करना पड़ा, जीएसटी में आप लोगों को लाइन खड़ा करवा दिए, नोटबंदी में लाइन में खड़ा करवा, आज लॉकडाउन इस स्थिति में करवा दिए कि लोग भुखमरी के कटा, लाखों बेरोजगार हो गए, करोड़ों बेरोजगार हो गए, लाखों का जो छोटे स्तर पर जो काम करते थे रोजी रोजगार के लिए, छोटा धंधे वाले थे, छोटा व्यवसायी थे, वो सारे मारे, सबों को लाइन में इन्होंने रोजगार देने की बात करोड़ों 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने बेरोजगारों को ये पूछते हैं कि आपको रोजगार मिला या नहीं, कितनी वैकेंसियां निकली। आप कहते थे कि हम तो आएंगे तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन क्या पता था कि मोदी जी के आने के बाद ट्रेन बिक जाएंगे, ट्रेन को आपने बेच दिया। आप बोले कि हम तो चाय वाले हैं, लेकिन चाय वाले थे या नहीं थे ये जांच का विषय आज भी, और आज भी जनता सोचती है कि आप चाय कहां बेचते थे, लेकिन अपने आप को चाय बेचने वाले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आपने रेलवे प्लेटफॉर्म रोक दिया हर कुछ का, चाहे आप स्कूल कॉलेज यहां तक कि जितना कुछ था, अभी जो कृषि बिल आया, आप बताइए कृषि के लिए भी आप ले आए अडानी को, अब अडानी जी क्या करेंगे, साहूकार बन गए, गांव गांव में धान वो खरीदेंगे और उनका रेट में बिक्री होगा,
हमारे किसानों का क्या होगा, उनका रेट कौन देगा? जिनके पास पैसा पहले महाजनी काल की आप बात करें तो महाजनी काल में क्या होता था, हमारे पास पैसा है तुम हमको अपना उपजा बेचो, धान हो मकई हो मंडुआ आप हमको बेचो, हम बाजार में सेल करेंगे। वही स्थिति आ गई है। आप अंबानी और अडानी को ले आए, अडानी जी अब राशन सामान खरीदेंगे, किसान का उपज खरीदेंगे, पूरे देश का हालत मोदी के समय में खस्ता है। ये बड़बोला है, पक्का झूठा है, 1000 बात बोलेंगे तो 999 झूठा, झूठ बोल करके झूठ की राजनीति कर रहे, देश की जनता झूठ की राजनीति कितना दिन बर्दाश्त करेगा। इनका उल्टी गिनती चालू हो गया है, अगले चुनाव में मोदी जी चले जाएंगे और जनता की सरकार और जनता की लोकप्रिय सरकार है। अशोक विश्वकर्मा जी, वर्तमान मोदी सरकार के बारे में बात कर रहे थे, इनके किए गए कार्यों से, इनके द्वारा किए गए झूठे बातों से, इनकी असफलता के बारे में अपनी राय रख रहे थे, और इन्हें विश्वास है कि मोदी सरकार जो अपने वायदों में और अपने कार्यों में असफल हुई है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से भारत की सत्ता में वापसी करेगी, केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी, और जो वादे मोदी जी ने किए वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। उन सभी वादों को कांग्रेस की सरकार, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार पूरे देश का उद्धार और विकास कर रही थी, उससे और भी अधिक गति से अगले टर्म में कांग्रेस पार्टी आकर देश का उद्धार और विकास करे। अशोक जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के इस समय में आपने अपने क्षेत्र में, पूरे शहर में कौन कौन से काम किए जिससे आपके क्षेत्र और शहर के लोग लाभान्वित हुए? जब यहाँ, ये तो हम लोगों का मेन रोड है, यहाँ से हाईवे तक का हम लोगों ने निगरानी किया, बहुत सारे मजदूर पैदल चल रहे, उनसे जब मैं पूछता था कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो भागलपुर से कहाँ जाना है, तो हजारीबाग जाना है, गुमला जाना है, तो उन लोगों के लिए जो हम लोग भोजन का पैकेट बनवाए थे, भोजन का पैकेट देने का काम किया, जहाँ तक भी हो सका, अगर वो 10-5 लोग हैं, अगर कुछ हम लोग प्रबंध करके कहीं आगे तक भिजवा सका तो हम लोगों ने भिजवाने का काम किया। सरकार जो कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान जो राशन वितरण, जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा हो रहा था, हम लोगों ने हर पंचायत में कमेटी गठित करवाया, और कमेटी गठित करवा करके यह सुनिश्चित करवाया कि हर लाभुक को राशन मिल सके और पूरी राशन मिल सके। अब सरकार 2 महीने का राशन घोषित करके रखी, क्योंकि 2 महीने का राशन देना है, तो ऐसा ना हो कि हवा हो जाए 1 महीने का, एक ही महीने का मिले। अगर उनको 32 किलो 35 किलो राशन मिलना है तो उनको 35 किलो मिले, अगर उसमें चना भी जोड़ा गया है, चीनी भी जोड़ा गया है, तो चना चीनी भी मिले। यह हम लोगों ने प्रबंध करवाया, सुनिश्चित करवाया। इसमें आपने कितनी सफलता प्राप्त? मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक सफलता प्राप्त किया, क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव में, हर पंचायत में मुस्तैद रहे, बल्कि एक एक जन वितरण प्रणाली दुकान में जा करके राशन तलवा करके दिलवाया, ये काम किया। और हमारे रामेश्वर राव जी ने पूरा निर्देश दे करके रखा था, जो काम अभी करना है जनहित के लिए, जनता के लिए, जनता भुखमरी का शिकार न हो, इसलिए आप लोग मुस्तैद रहिए। हम लोगों ने उनके पूरे पूरे निर्देश का पालन किया और काम करवाया। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र है कि वो हमारे साथ खड़े रहे, मुस्तैदी के साथ। इतना अनूठा और अच्छा काम करने के लिए इस महामारी के काल में भी आपने जो प्रयास किए हैं, आपकी पार्टी के जो लोगों ने प्रयास किए हैं, आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, राज्य स्तरीय जो नेतृत्व आपका शीर्ष है, उन्होंने जो काम किए हैं, सारे कार्य अनुशंसनीय है, प्रशंसनीय है, बहुत ही बढ़िया आपने काम किया। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ। अशोक जी, त्योहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे त्योहार के माहौल में पूरे जिलेवासियों और देशवासियों से? हम सभी जिलावासियों और देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई देते हैं, और आने वाले दिनों में भी दीपावली है, छठ है, ईद है, सभी त्योहारों का हम पूरे दिल से आप सबों को बधाई देते हैं, और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है, माँ दुर्गा ले जाए इस क्षेत्र से, पूरे देश से ले जाए, और यहाँ सुख शांति बनी रहे, यहाँ के लोग बढ़िया से काम करें, बढ़िया कमाए, बढ़िया से खान करें। आए News 21 के झारखंड प्रभारी शमशीर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना समय दिया, और साथ ही चैनल के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।